मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं। दोस्तों इन दिनों सोशल मीडिया पर इस लड़की का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। चाहे आप इंस्टाग्राम ओपन करो, फेसबुक ओपन करो या फिर यूट्यूब, ये लड़का हर जगह आपको दिख जाएगा। कभी इसका हाथ पकड़कर पुलिस ले जा रही होती है, तो कभी इसे कोर्ट में देखा जाता है, तो कभी जेल में। तो आखिर कौन है 16 साल का वायरल लड़का जिसने इतनी कम उम्र में इतना नाम बना लिया कि सोशल मीडिया से लेकर रियल लाइफ में इसके लाखों फॉलोअर्स हैं। इसके बारे में हम आपको वो सच बताएंगे जिसे आप में से 99% लोग नहीं जानते कि आखिर कैसे लड़का इतना घटिया सोच के साथ इतना नीचे गिर सकता है। आखिर लड़का जेल तक कैसे पहुंचा, इसकी पूरी कहानी शुरू से जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, जो सोशल मीडिया पर दिखता है वो जरूरी नहीं कि रियल लाइफ में भी हो। कई लोगों का मानना है कि साल 2015 में अद्दू के बहन के साथ किसी लड़के ने गलत काम करके उसको मार दिया था और 10 साल बाद इसने उसका बदला लिया है, जिस वजह से ये लड़का इतना फेमस हो रहा है और आज के टाइम में जेल में है। लेकिन ये सारी बातें गलत हैं और अफवाह मात्र हैं। तो सच क्या है, आइए आपको बताते हैं। फिलहाल दोस्तों ये लड़का एक सनकी पागल अपराधी है। अब्दुल डिफॉल्टर के नाम से फेमस ये लड़का, इसका रियल नाम अब्दुल फैजल मोहम्मद है। इसका जन्म 1998 में दिल्ली के वेलकम नगर इलाके में हुआ था। इस लड़के की भोली और मासूम शक्ल पर स्माइल देख लोग धोखा खा जाते हैं और इसे मसीहा बता रहे हैं। ये लड़का ना तो रक्षक है, ना ही मसीहा और ना ही कोई शहंशाह है। ये लड़का कोई मसीहा नहीं बल्कि एक चोर, लुटेरा और गुंडा बदमाश है। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको आगे वीडियो देखकर पता चल जाएगा। तो हुआ यूं कि 21 नवंबर 2023 की रात वेलकम नगर का रहने वाला यूसुफ नाम का लड़का करीब रात 10 बजे अपने घर लौट रहा था, जिसके बाद वहां ये 16 साल का लड़का यूसुफ को रोकता है और पैसे मांगता है। अब बात यहां पर ये आती है कि आखिर लड़का यूसुफ से पैसे क्यों मांगता है। तो आपको बता दें कि ये लड़का बहुत ही बड़ा नशेड़ी और लुटेरा है और ये रात को लोगों को रोककर ऐसे ही पैसे लूटता है। जब यूसुफ पैसे देने से मना कर देता है तब यह अद्दू नाम का लड़का चाकू निकालकर यूसुफ लगभग 100 बार चाकू से हमला कर देता है, जिसके बाद यूसुफ की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद अद्दू वहां से भाग जाता है। आसपास के लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, उसके बाद पुलिस आती है और इस केस पर एक्शन लेती है। तब पता चलता है कि अद्दू डिफॉल्टर नाम के इस लड़के ने महज 350 रुपए के लिए यूसुफ की हत्या कर दी और उस रात पूरे तरीके से नशे की हालत में था, जिसके बाद इसे बाल सुधार जेल भेज दिया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस अद्दू नाम के लड़के के ऊपर हत्या, लूटपाट, रंगदारी और भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आज ये लड़का सोशल मीडिया पर यंग लड़कों का मसीहा बनकर घूम रहा है और इसके गैंग में हजारों लड़के शामिल होने के लिए तैयार हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर इतना पोस्ट किया जा रहा है कि आप जहां भी जाएंगे वहां आपको इसका वीडियो देखने को मिल जाएगा। इसके नाम से इंस्टाग्राम पर सैकड़ों अकाउंट भी बने हुए हैं, जिस पर इसके फोटो और वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। लोग भ्रम में जीकर इस लड़के को बोल रहे हैं कि भाई हो तो ऐसा जो अपनी बहन का बदला लेकर काफी खुश है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके चेहरे पर मुस्कान यह बताता है कि ये सनकी और बहुत ही बड़ा अपराधी है। बेगुना यूसुफ के परिवार में एक माँ और दो बहन है। पापा का देहांत काफी पहले ही हो गया था और यूसुफ अपने घर का रखवाला अकेला था, जिसे इस लड़के ने मार दिया। उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसे देखने वाला अब इस दुनिया में कोई नहीं है। खैर आप इस लड़के के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।